कुछ अर्सा यूज़ नहीं किया और इस दौरान बारिशें वगैरह या नमी का मौसम आया हुआ है, और आप अपना कॉटरेज ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसके अंदर जम चुका है कॉटरेज, फिर टोनर जम चुका है, सॉरी, तो टोनर को हम चेंज कर लेंगे। अदरवाइज अगर टोनर ठीक है, आप उसको छाननी से छान भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप न्यू टोनर ही डाल दें इसके अंदर। नहीं जी, हमारा कार्ट्रिज कुछ ना कुछ रिफिल हो चुका है। थोड़ी सी हम डाल लेते हैं, न्यू डाल लेते हैं। नहीं जी, डालें इसके अंदर। ये टोनर आपको मार्केट से मिल जाएगा, छोटी पैकिंग मिल जाती है और 1 kg की पैकिंग मिल जाती है। तकरीबन 1,000 रुपये तक छोटी ये 1 kg वाला पैकेट मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा डालो, और छोटी जो पैकिंग मिलती है वो बोतल में मिलती है, वो तकरीबन 300 से 400 रुपये में मिल जाता है। आहिस्ता 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 यार, चलो वापस करो। अभी और डालेगा, वो देखें जगह बीच में खाली है, डालें जी और। चले जी, बस करें। नहीं जी, हमारा कॉटेज रिफिल हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको पैक करते हैं। अब इस कार्ट्रिज के अंदर ये जो इसका मैग्नेट है, इसमें यहाँ पर स्प्रिंग होता है, लेकिन इस कार्ट्रिज के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है। इन्होंने स्प्रिंग इसमें यूज़ ही नहीं किया। वो स्प्रिंग कनेक्ट होता है हमारे प्रिंटर के साथ, जैसे कमांड मिलती है उसी हिसाब से ये फिर मैग्नेट जो है वो टोनर देता है, लेकिन इसके अंदर वो स्प्रिंग इन्होंने यूज़ नहीं किया। मैग्नेट को जरा बाहर निकालते हैं हम। हाँ जी, एक चीज हम ये मैग रूलर ये भूल गए थे, हम इसको डाल लेते हैं। ये देखिए, मैग्नेट में ये कट दिया हुआ है, इसमें भी ये कट दिया हुआ है, हम इस कट के मुताबिक इसको सेट करेंगे।
हाँ जी, ये अब देखें, अब ये मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब हम इसको इसके स्क्रू लगा देंगे। नहीं जी, हमारा कार्ट्रिज रिफिल हो चुका है, इसको ज़रा हम क्लीन कर लेते हैं, ज़ाहिर जो इंक है टोनर वो निकल जाए इसमें से। अब हम इसको क्लोज करते हैं। हाँ जी, ये फिट हो गया। अब हम इसको पैक कर देंगे। ये जी, मैंने सेकंड लॉक लगा दिया। अब एक स्क्रू हमारे पास जायद रह गया है, वो इधर लगना था। इस तरह से हमारा कार्ट्रिज जो है वो रिफिल हो चुका है। अब हम इसको जाके चेक करेंगे।